मुक्ति ला रहा। भक्ति से हाथ जोड़े हम बलि चढ़ाएंगे, भक्ति से हाथ जोड़े हम बलि चढ़ाएंगे। चलो चले अब हे भक्तों, वंदना करेंगे हम मिलके, हम ईश की जय जयकार गाएंगे, मिलके हम ईश की जय जयकार गाएंगे। दिव्य दर्शन पाएंगे, उसकी महिमा गाएंगे, है मिलन की शुभ घड़ी, प्रभु की आशीष पाएंगे, है मिलन की शुभ घड़ी, प्रभु की आशीष पाएंगे। मेरा ईश आ रहा, प्रेम ज्योति ला रहा, भक्ति से हाथ जोड़े हम बलि चढ़ाएंगे, भक्ति से हाथ जोड़े हम बलि चढ़ाएंगे। प्रभु कहते हैं, मैं अपनी प्रजा का मुक्ति दाता हूँ, यदि वे संकट में मेरी दुहाई देंगे तो मैं उनकी दुहाई सुनूंगा और सदा के लिए उनका प्रभु बना रहूंगा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु ख्रीस्त हमें ज्योति बनना है, ज्योति होना है। ज्योति बनने के लिए हम बुलाए गए हैं, ज्योति होना हमारा मिशन है। इस सच्चाई पर, इस रहस्य पर, इस बात पर प्रकाश डालते हैं हम क्रिस्तीय होने हैं। इसका मतलब हमें से प्रत्येक को ख्रीस्त की ज्योति होना है। दूसरा ख्रीस्त, ख्रीस्त के समान दूसरी ज्योति बनकर हमें अपना जीवन यापन करना है। आइए हम अपने दिल की जांच करके देखें, क्या हम इस बात में सफल हैं, क्या इस बात को हम अपनाए हुए हैं। ज्योति होने की बात को लेकर क्या हमने प्रभु को निराश किया है, नाराज किया है? हमने ज्योति बनना अस्वीकारा है, अंधकार के कार्यों को, कर्मों को हमने किया है, और इस प्रकार ज्योति फैलाने के बजाय अंधकार को फैलाने में या अंधकार का राज्य बरकरार बनाए रखने में हमने अपना योगदान, सहयोग किया है। तो आइए हम अपनी सारी भूलों के लिए, गलतियों के लिए, पापों के लिए, अपराधों के लिए, अयोग्यताओं के लिए प्रभु से दया की, क्षमा की याचना करें। हे भाइयों, बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रीस्त दया कर, हे ख्रीस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने सिखाया है कि सारी धर्म संहिता का सार तेरे तथा पड़ोसी के प्रेम में निहित है। तेरे इस प्रेम के नियम का पालन कर हम अनंत जीवन प्राप्त करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन।
परमेश्वर आपके होंठ और मन निर्मल करें, जिससे कि आप परमेश्वर के वचन को सुना सको पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के रूप में। पहला पाठ सूक्ति ग्रंथ अध्याय 3 वचन संख्या 27 से 34 तक। पाठ का मूल वाक्य है, प्रभु दुष्टों से घृणा करता है। पुत्र, यदि यह तुम्हारी शक्ति के बाहर न हो तो जिसके आभारी हो उसका उपकार करो। यदि तुम दे सकते हो तो अपने पड़ोसी से यह न कहो, चले जाओ फिर आना, मैं तुम्हें कल दूंगा। जो पड़ोसी तुम पर विश्वास रखता है उसके विरुद्ध षड्यंत्र मत रचो। जिसने तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं किया उस मनुष्य से अकारण झगड़ा मत करो। विधर्मी से ईर्ष्या मत करो और उसके किसी भी मार्ग पर पैर न रखो, क्योंकि प्रभु दुष्टों से घृणा करता और सदाचारियों को अपना मित्र बना लेता है। दुष्ट के घर पर प्रभु का अभिशाप पड़ता है, किंतु वह धर्मी के घर को आशीर्वाद देता है। प्रभु घमंडियों को नीचा दिखाता और दीनों को अपना कृपा पात्र बना लेता है। बुद्धिमान लोगों को सम्मान मिलेगा और मूर्खों का तिरस्कार किया जाएगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य, हे प्रभु धर्मी तेरे पवित्र पर्वत पर निवास करेगा। हे प्रभु धर्मी तेरे पवित्र पर्वत पर निवास करेगा। हे प्रभु कौन तेरे शिविर में प्रवेश कर तेरे पवित्र पर्वत पर निवास कर पाएगा, जिसका आचरण निर्दोष है, जो सदा सत्य कार्य करता है, जो हृदय से सत्य बोलता है और चुगली नहीं खाता। अनुवाक्य, हे प्रभु धर्मी तेरे पवित्र पर्वत पर निवास करेगा। जो अपने भाई को नहीं ठगता और अपने पड़ोसी की निंदा नहीं करता, जो विधर्मी को तुच्छ समझता और प्रभु भक्तों का आदर करता है। अनुवाक्य, हे प्रभु धर्मी तेरे पवित्र पर्वत पर निवास करेगा। जो उधार देकर ब्याज नहीं मांगता और निर्दोष के विरुद्ध घूस नहीं लेता, जो ऐसा आचरण करता है वह कभी विचलित नहीं होता। अनुवाक्य, हे प्रभु धर्मी तेरे पवित्र पर्वत पर निवास करेगा। जय घोष, अलेलुया। तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे वे तुम्हारे भले कर्मों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। अलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने लोगों से यह कहा, कोई दीपक जलाकर बर्तन से नहीं ढकता अथवा पलंग के नीचे नहीं रखता, बल्कि वह उसे दीवट पर रख देता है, जिससे भीतर आने वाले उसका प्रकाश देखें। ऐसा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है जो प्रकट नहीं होगा, और ऐसा कुछ भी गुप्त नहीं है जो नहीं फैलेगा और प्रकाश में नहीं आएगा। तो इसके संबंध में सावधान रहो कि तुम किस तरह सुनते हो, क्योंकि जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा, और जिसके पास कुछ नहीं है उसे वह भी ले लिया जाएगा जिसे वह अपना समझता है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु क्रिस्त दीपक का उद्देश्य, उसका मतलब, उसका कार्य, इस पर प्रकाश डालते हैं।
आपने कहीं नहीं देखा होगा, कोई दीपक को जलाकर, दीपक नाना प्रकार के हो सकते हैं, लाइट भी हो सकता है, ट्यूबलाइट, मोमबत्ती हो सकती है, लालटेन या दिया हो सकता है, या टॉर्च भी हो सकता है, नाना प्रकार के दीपक जिसका हम इस्तेमाल करते हैं रोशनी के लिए, प्रकाश के लिए। दीपक जलाकर कोई भी बर्तन के नीचे या पलंग के नीचे नहीं रखता। यदि नीचे रखना है तो उसका कोई मतलब अर्थ नहीं रह जाता। दीपक का अर्थ तब पूरा होता है, उद्देश्य तब साकार होता है जब उसे ऊपर रखा जाता है, जिससे कि आने जाने वाले उसके प्रकाश में चल सकें, आगे बढ़ सकें, देख सकें, अनुभव कर सकें, आनंद उठा सकें, सुरक्षा का, स्वतंत्रता का अनुभव कर सकें, हर प्रकार का संकोच, संदेह, डर, भय से मुक्त हो जाएं। यह होता है दीपक का उद्देश्य। हम सब क्रिस्तीय यीशु के अनुयायी, यीशु का अनुसरण करने वाले, यीशु का पीछा करने वाले, हम सब प्रकाश बनने के लिए, ज्योति बनने के लिए बुलाए गए हैं। प्रभु यीशु ने हमसे कहा है, तुम संसार की ज्योति हो, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। संत पौलुस कहता है कि हमें आकाश में, अंधकारमय प्रदेश में, आकाश में तारे बनकर चमकना है, तारे बनकर, जिससे कि इन छोटे छोटे तारों के माध्यम से संसार का अंधकार, अन्याय का हो सकता है, अपराध का हो सकता है, बुराइयों का हो सकता है, पाप का हो सकता है, नाना प्रकार के अंधकार, प्यारे भाइयों और बहनों, इस संसार में, दुनिया में हैं, और उस अंधकार को दूर करना हमारा कर्तव्य है। हमारे मन में सवाल उत्पन्न हो सकता है कि अंधकार कैसे दूर होगा, प्रकाश होने का मतलब क्या है। प्रकाश होने का मतलब यह कि हर एक क्रिस्तीय को यीशु के अनुयायी को अंधकार के कार्यों में ना फंसना, अंधकार की बातों में ना आना, और दुनिया में रहते हुए, अंधकारमय प्रदेश में रहते हुए दीपक बनने का मतलब यह है कि उदाहरण बनकर, नमूना बनकर समाज के सामने प्रस्तुत होना, जिससे कि लोग जान जाएं, इंसान होने के बावजूद, मनुष्य होने के बावजूद, आदम की संतति होने के बावजूद, हार्ड मास का व्यक्ति होने के बावजूद, इनसे ऊपर उठकर जिया जा सकता है। और ये उदाहरण संतों के जीवन में हम देखते हैं, महान व्यक्तियों के जीवन में हम देखते हैं, वो अंधकार की बातों में नहीं आए, अंधकार की बातों में में आने के बजाय रोशनी बनकर, प्रकाश बनकर उन्होंने जीना चुन लिया, पसंद कर लिया, इसलिए वह आज भी याद रखे जाते हैं। यदि उन्होंने अंधकार के कार्यों को चुना होता, अंधकार के प्रदेश में रहना स्वीकारा होता, तो आज उन्हें कोई भी याद, प्यारे भाइयों और बहनों, नहीं रखता। यह मेरे लिए और आपके लिए बड़ी चुनौती है कि हम इस चुनौती को स्वीकारने के लिए तैयार हैं। हमें साहस चाहिए, हमें ज्ञान चाहिए, हमें शक्ति चाहिए, हिम्मत चाहिए। अंधकारमय प्रदेश में रहकर दीपक बनकर जीना सरल नहीं है। आंधी आएगी, तूफान आएगा, इस दिए को बुझाने का प्रयास करेगा, जिससे कि अंधकार का बोलबाला हमेशा बना रहे, पर हम हार नहीं मानेंगे। एक दिया बुझ जाएगा तो और कई दिए जलेंगे। इसी आशा, उम्मीद, विश्वास और भरोसे के साथ हर एक विश्वासी को यहाँ का जीवन जीना है। हम इस चुनौती को स्वीकारें, प्रभु के इस मार्गदर्शन को हम अपनाएं, अन्यथा हमारा क्रिस्तीय होना उस बात की भांति होगा जिसके बारे में आज के सुसमाचार में प्रभु ने कहा, दीपक जलाकर पैमाने के नीचे रख दिए, बर्तन के नीचे रख दिए, पलंग के नीचे रख दिए, उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। यानी कि हमारा क्रिस्तीय होने का अर्थ नहीं रह जाता, हम झूठे क्रिस्तीय बन जाएंगे, झूठे क्रिस्तीय कहलाएंगे, अयोग्य क्रिस्तीय हम कहलाएंगे। मैं विश्वास करता हूँ कि हम में से कोई यह ना चाहेगा कि मैं झूठा क्रिस्तीय, अयोग्य क्रिस्तीय कहलाऊँ। हम यही चाहते हैं कि हम सच्चे, साहसी, योग्य क्रिस्तीय कहलाएं। तो आइए इसके लिए हम प्रभु से विशेष कृपा मांगे, आशीष मांगे, वरदान मांगे।
प्रभु स्वीकारो, 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 लाए हम हमारा जीवन दर्द दुख और पाप भरा, लाए हम हमारा जीवन दर्द दुख और पाप भरा, रख लो पिता तब चरणों में, रख लो पिता तब चरणों में, हर्षित कर दो हर तन मन, प्रभु स्वीकारो, 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 प्रभु स्वीकारो। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, अपनी प्रजा के दान कृपा पूर्वक ग्रहण कर। जिस सत्य को हम श्रद्धा भाव से स्वीकार करते हैं उसे स्वर्गीय संस्कारों द्वारा प्राप्त भी करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें, यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं है, यह तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुतिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुतिगान करते हैं। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुतिगान, गाए हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुतिगान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त,
जो तुम्हारे और भूतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधिले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधिले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य जोसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो, हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, मैं तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाला हूँ, या मेरे लिए विचार और दंड का कारण ना बने, बल्कि तेरी दया से मेरा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रहे। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं, धन्य हैं वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूक्रिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रभु कहते हैं, भला गडेरिया मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने इस संस्कार द्वारा हमारा नव निर्माण किया है, कृपा पूर्वक हमारी सहायता कर कि हम संस्कार तथा आचरण में तेरी मुक्ति प्राप्त कर सकें, हमारे प्रभु क्रीस के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें, मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। तू ही मेरी राह, तू हम सफर।